हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीट बॉल करी या कोफ्ता करी रेसिपी। एज यू नो, जूसी टेंडर इनक्रेडिबली फ्रेग्रेंट लैम्प मीट बॉल और कोफ्ताज आर द शो स्टॉपर इन दिस रेसिपी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव अ बिग थम्स अप, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। डोंट स्किप द वीडियो, कीप वॉचिंग। कोफ्ता प्रिपरेशन के लिए है वी नीड 250 ग्राम ऑफ कीमा, 1 स्मॉल साइज की बारीक कटी हुई प्याज, इसे कीमे में ऐड करें। हरी मिर्च का पेस्ट 1 चम्मच, बारीक कटा हुआ पुदीना, दो से 3 चम्मच बेसन को मैंने यहाँ पे रोस्ट कर लिया है। नमक 1 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। नाउ ग्रीस योर हैंड विथ सम ऑयल और इसके इक्वल साइज के बॉल्स रेडी कर लें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं देन डू लाइक माय पेज जायका हिंद, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है zaikahind_h से। नाउ मूविंग टू द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम सारे मीट बॉल्स को फ्राई करेंगे। इसके लिए एक पैन में ले तेल और उसमें एक के बाद एक धीरे धीरे से सारे कोफ्ते को डाल दें। 2 से 3 मिनट के बाद इसे पलटा दें। गोल्डन ब्राउन होने तक इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लें। अब ये रेडी है, अब साइड में रख लें। नाउ द फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप में हम करी को प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए एक पैन में ऐड करें 2 से 3 बड़े चम्मच तेल। अब इसमें ऐड करें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज, आप चाहे तो इसे हल्का सा ग्राइंड भी कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करें 1.5 कप टमाटो पेस्ट। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर का पेस्ट बना लिया है, वो भी आप इसमें ऐड कर दें और इसे कुछ देर के लिए पकने दें। जैसे ही तेल ऊपर आ जाए, अब इसमें ऐड करें 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक। इन सारी चीज़ों को 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है। इसे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके भूने ताकि ये बॉटम पे ना लगे। अब इसमें ऐड करें आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 कप पानी, इसे कुछ देर के लिए बॉईल होने दें। जैसे इसमें एक उबाल आ जाए अब इसमें ऐड करें तले हुए कोफ्ते। कोफ्ते डालने के बाद इसे 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने दें और अब ये रेडी है सर्व करने के लिए। सर्व दिस डिलीशियस मटन कोफ्ता करी विथ नान, रुमाली रोटी और राइस। And also you can store these kofta mix in your fridge. Just take them out and dump them straight in the slow simmering sauce. A fantastic dinner served in no time. So this is all about the today's video. Do subscribe my channel and press the bell icon to get the notification of all videos. See you soon with another video. Until then, stay home, stay fit. Always make your food with love.